क्योंकि जो सफाई मित्र होते हैं ना, जो कूड़ा उठाते हैं, उनकी तरफ कोई लोग ध्यान नहीं देते, तो इसमें हम उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। मैम स्वच्छता अभियान यही है कि शहर में बहुत गंदगी हो रखी है, लोग समझ नहीं रहे हैं कि मतलब कैसे हमें अपना सुधार करना चाहिए, तो उसी के बारे में हम सबको आज जागरूक करेंगे। सारे लोग इस तरह के अवेयर हैं, वो सेपरेट कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। इनको भी हम सफाई मित्रों को भी हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे। ये मैम सरकार द्वारा चला गया ये 3 दिन का प्रोग्राम है हमारा, और 3 दिन में हमें सभी को मोटिवेट करना है। आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले देखें और आज के में देखें तो लोगों की मेंटेलिटी कुछ हद तक चेंज हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर, मैं हूँ आपके साथ कंचन भारती, और ये जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत शहर की है। एक बार आप इस जगह को देखिए, इस जगह को देखने के साथ ही आप अपने आप समझ जाएंगे कि ये एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी कि स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम जो नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा है। बातचीत करेंगे इन लोगों से, जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि स्वच्छता अभियान के लिए एक बार फिर से इन लोगों को किस तरह के कार्यक्रम की ज़रूरत पड़ी, आखिर ये कार्यक्रम क्या है, इसका फ़ायदा कितना है, लोगों को जागरूक के बाद जो शहर को इसका फ़ायदा होगा वो कितना होगा, ये अभियान कब शुरू हुआ है, कब तक चलेगा, सब कुछ आपको बताएंगे, आपसे उनकी बातचीत कराते हैं। मैम ये कार्यक्रम आप लोग चला रहे हैं, देखकर पता लग रहा है कोई स्वच्छता अभियान से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैम स्वच्छता अभियान यही है कि शहर में बहुत गंदगी हो रखी है, लोग समझ नहीं रहे हैं कि मतलब कैसे हमें अपना सुधार करना चाहिए, तो उसी के बारे में हम सबको आज जागरूक करेंगे और हमें मोटिवेट करेंगे लोगों को कि गीला कबाड़ कहाँ डालना है और सूखा कबाड़ कहाँ डालना है, ताकि वो कहीं ना कहीं यूज़ हो सके और उसका अच्छे से यूज़ हो सके। तो कुछ टाइम पहले भी गवर्नमेंट के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए गए, जागरूकता अभियान हुए, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों के अंदर समझ है या जागरूकता है वो कम दिखाई दी। शायद तभी दोबारा आप लोगों को इस तरह का कार्यक्रम करने का मौका मिला या आपको ही करना पड़ा, उसको लेकर लोगों को क्या कहना चाहेंगे? तो लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो हमारा साथ दें और हमारी जनता का साथ दे और जनता हमारे साथ रहे, ताकि हम अपने शहर को स्वच्छ बना सके। ये कार्यक्रम मतलब विभाग द्वारा या सरकार द्वारा किसके द्वारा चलाया जा रहा है और कब से कब तक चलेगा? ये मैम सरकार द्वारा चला गया ये 3 दिन का प्रोग्राम है हमारा, और 3 दिन में हमें सभी को मोटिवेट करना है। कैसे क्या कुछ आपका कार्यक्रम रहेगा, कितनी टीम्स हैं, कहाँ तक जाएंगी, कैसे क्या कुछ लोगों पे जागरूकता अभियान होगा? नहीं यही बता दूंगा, ये भारत सरकार के आदेश अनुसार पूरे भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है। 75वां हम अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो उसके उपलक्ष्य में मोदी जी ने एक आह्वान किया है सभी MCs को, क्योंकि जो सफाई मित्र होते हैं ना, जो कूड़ा उठाते हैं, उनकी तरफ कोई लोग ध्यान नहीं देते, तो इसमें हम उन लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और सभी को जोड़ रहे हैं, जन भागीदारी कर रहे हैं। ये एक पूरा पैटर्न बना हुआ है, 27 से लेकर और 3 तारीख तक ये चलेगा। 2 दिन को हम कचरा अलग करो अभियान के तहत मना रहे हैं, जिसमें हम प्रत्येक वार्ड में एक एक टीम हमारी जाएगी, लोगों को डस्टबिन के साथ में वो बताएंगे कि सूखा कचरा यहाँ डालो, गीला यहाँ डालो, क्योंकि जब हम जो हमारी डंपिंग साइट है वहाँ पर जब वेस्ट आता है तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाता है सेपरेट करना, यदि वो सेपरेट आता है तो उसको कंपोस्ट करना या डिकम्पोज करना बड़ा अच्छा हो जाता है, इसलिए हम ये चला रहे हैं। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको माफ़ी चाहूँगी, टोक रही हूँ, आप मतलब नगर निगम के कर्मचारी जो गलियों में सड़कों पर जाते हैं कूड़ा इकट्ठा करने, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग ही जो दोनों तरह के कूड़ा है उसे एक तरफ ही डाल देते हैं, क्या उन लोगों के अंदर भी अभी जागरूकता की कमी है? तभी तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, यदि सारे लोग इस तरह के अवेयर हैं, वो सेपरेट कर रहे हैं, तो फिर इस तरह के कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। इनको भी हम सफाई मित्रों को भी हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे, वही मैं अभी आगे बता ही रहा था, परसों जो हमारा काम होगा वो यही होगा। हम उन संस्थाओं को चुने, बाजार एसोसिएशन को चुने, RWA हैं, मोहल्ला एसोसिएशन है, सभी को ट्रेन किया जाएगा कि कचरे को सूखा और जो गीला है उसको मिलाए नहीं, उसको अलग अलग रखें ताकि निपटान हो सके। अभी आप कुछ मुझे पहले बताया गया है कि हर दिन का एक अलग थीम होगा, आज की थीम के बारे में? आज का थीम है कचरा अलग करो महोत्सव, और कल भी हमारा यही रहेगा, फिर उससे आगे जो 2 दिन है, जो हमारे CTPT यानी कि कॉमन टॉयलेट्स हैं या जो पब्लिक टॉयलेट्स हैं उनका क्या कंडीशन है, एक बारकोड हमने एक पूरी सॉफ्टवेयर बनाया है, जो आमजन है वो बारकोड को स्कैन करके अपने व्यू छोड़ सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों के व्यू पता लगे कि हमने जो टॉयलेट्स स्टेबलिस्ट किए हैं वो किस प्रकार वर्किंग में कितनी अच्छी से काम कर रहे हैं, और लोगों को मोटिवेट भी करेंगे ताकि वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपना फीडबैक दें। 2 दिन वो फीडबैक का चलेगा, उसके बाद 2 दिन फिर जो SSG हैं या स्कूल हैं, वेस्ट टू वेल्थ एक
हमारा एक कैंपेनियन है कि कूड़े से समृद्धि का कुछ बनाएं, उसका एग्जीबिशन हम एसडी विद्या मंदिर में लगा रहे हैं 1 तारीख को, और फिर 3 तारीख को पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बेस्ट परफॉर्मिंग सफाई मित्र हैं, जो बेस्ट परफॉर्मिंग एएसआई हैं, एसआई हैं और हमारे मोटिवेटर हैं, उन सभी को फैसिलिटेट किया जाएगा और वहाँ से हमारा स्वागत होगा। अच्छा, क्या आपको नहीं लगता चाहे सरकार द्वारा या किसी भी तरह के ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जब तक ये कार्यक्रम चलते हैं तब तक लोगों पर भी इसका असर दिखता है या लोग जागरूक होते हैं जो मर्जी किए, लेकिन कुछ टाइम बाद इन योजनाओं को, ये जो अभियान होते हैं, उनमें पलीता लग जाता है? ऐसा नहीं है मैडम कि पूर्ण विराम लग जाता है। यदि आज हम आज से 10 साल पहले या 5 साल पहले देखें और आज के में देखें तो लोगों की मेंटेलिटी कुछ हद तक चेंज हो चुकी है। मैंने खुद देखा है प्लेटफॉर्म पे या लोग डस्टबिन ढूंढते हैं कि कचरे को वहीं डालें, तो एकदम तो मैं ये नहीं कह सकता कि 100% हो सकता है, लेकिन फिर भी लोगों के सामने एक चीज़ हर बार आती जाती रहती है ना, तो कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ता है। और हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हर बार कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो ही रहा है हमारा। हरियाणा में ही लेके चलो, अभी बहुत सारे शहर हैं जो ट्रिपल डिजिट में थे, आज वो डबल डिजिट में आ चुके हैं स्वच्छता के मामले में, तो प्रयास है तभी तो कुछ हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और, इस चीज़ के लिए आज का दिन ही क्यों चूज किया गया? आज का दिन इसलिए चूज किया गया, देखिए ये पर्टिकुलर पिछले अपने इंडिपेंडेंट डे से चला हुआ है, सभी को स्लॉट बांटा हुआ है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, तो स्लॉट के अंदर MC जो नगर निकाय है वो आज ही से आता है, 1-3 तक नगर निकाय करेगा, उसके बाद फिर दूसरा डिपार्टमेंट करेगा, उससे पहले शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसी तरह प्रोग्राम किए हैं। तो वो पर्टिकुलर कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ महोत्सव है या जयंती है, वो नहीं है, लेकिन वो स्लॉट डिवाइडिंग के कारण आज का दिन आता है। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए सरकार द्वारा ये कदम जो उठाया जा रहा है काबिले तारीफ है। अब देखना ही होगा कि ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है कितने दिन तक शहर में इसका असर रहेगा, कितने दिन तक लोगों के दिमाग पर इसका असर रहेगा और इस अभियान का असर शहर पर कितना दिखाई देगा। कैमरा पर्सन आदिल के साथ कंचन भारती, सत्य खबर। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।